जी सर, किस तरह की मीटिंग हुई और किस तरह के निर्णय, क्या तैयारियां की जा रही थी? कोविड 19 की वैक्सीनेशन के लिए राज्य सरकार के जो निर्देश थे पूर्व तैयारियों के लिए, उसके लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स जो गठित की गई है उसकी आज बैठक आयोजित की गई, जिसमें विस्तार से ये चर्चा की गई कि जिले में जब वैक्सीनेशन किया जाना है तो किस तरह से इसको संपन्न किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार के जो निर्देश हैं उसके अनुसार पहले चरण में 4 तरह के लोगों को ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें मेडिकल के जो लोग हैं वो लोग हैं, प्लस पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं जो कोरोना के बचाव में लगे हुए हैं वो लोग हैं, प्लस 50 साल की उम्र से ज्यादा के जितने भी लोग जिले में हैं और 50 साल से कम उम्र के वो लोग जो कोमॉर्बिड हैं उनको पहले चरण में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है राज्य सरकार का। तो इनका सर्वे करने का, कोल्ड चेन मेंटेन करने का, प्लस वैक्सीनेटर्स तो सर्वे करके उनको चिन्हित करने का, इन कार्यों के लिए आज बैठक आयोजित की गई है ताकि जब भी राज्य सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराती है तो जिले में तत्परता और त्वरित से इसको किया जा सके। सर, वर्तमान स्थितियों के लिए क्या संदेश रहेगा जनता को? देखिए, मैं बार बार मीडिया के माध्यम से उदयपुर जिले के लोगों को अपील करता रहा हूं कि कोरोना का बचाव, जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और बार बार हाथ धोना है, इसलिए हम इसकी अनुपालना करते रहें। और मैं तारीफ करूंगा उदयपुर की जागरूक जनता का कि उनके इसी सजगता और जागरूकता से जिले में कोरोना की स्थिति पर पूर्णतः नियंत्रण है, लगातार पॉजिटिव केसेज की संख्या में डेली गिरावट आ रही है और यही सहयोग और संबल बना रहे, यही सतर्कता बनी रहे, यही मैं अपील करना चाहूंगा।